सबसे बढ़िया बात जो आप लोगों को फोकस करनी है, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? अगर कार्बन के पास एक लोन पेयर हो, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर हो, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अपना दिमाग लगाओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको तो इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा। आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और कार्बन से ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली अगर किसी कंपाउंड के पास कार्बन भी है और मान लो ऑक्सीजन भी है, तो उस केस में कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब इन चीजों को आप लोग ध्यान लगाओगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। सो ये ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन के डोनेट करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होती है।